हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम एडोबी फ़ोटोशॉप को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च करिए फ़ोटोशॉप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ गई है एडोबी फ़ोटोशॉप। इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एडोबी फ़ोटोशॉप इंस्टॉल हो गया है। तो इसे ओपन कर लीजिए और इसका यूआई बहुत ही सुंदर है, देखने में कंफर्टेबल लगेगा। और इसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और ये आपसे आईडी मांगेगा। तो आपके पास अगर फेसबुक आईडी है तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने जीमेल से लॉगिन कर लीजिए। मेरे पास जीमेल है तो मैं जीमेल से लॉगिन करूँगा। तो हमने लॉगिन कर लिया है। आपको यहाँ पे परमिशन देना पड़ेगा स्टोरेज के लिए, तो इसको ओके कर दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी गैलरी ओपन हो गई है। तो इसमें से कोई भी पिक्चर आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी एडिटिंग वाला पार्ट जो है वो विजिबल हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें हमारा फ़ोटो विजिबल है, इसमें आप देखिएगा कि जो भी एडिटिंग फिल्टर्स वगैरह आप लगाएंगे वो आपको यहीं पे दिखेगा। और नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे फिल्टर्स हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल, वाइब्रेंट, ऑटम, समर, ये सारे फिल्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके जस्ट ऊपर में ये बार आपको दिख रहा होगा, ऐसे आप इसकी इंटेंसिटी को घटा और बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात देखने वाली है, ये जो स्टार मार्क आप देख रहे हैं फिल्टर्स में, ये सारे प्रो वर्जन में आते हैं। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे तभी आपको ये सारे फिल्टर्स मिलेंगे। तो फर्स्ट में ये सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे आपको। और जो इसका सेकेंड ऑप्शन है, इसमें आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें अलग अलग लेवल के ब्लेंडिंग्स हैं, जैसे L1, L2 देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग कलर के जो फिल्टर्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। और जो इसका थर्ड ऑप्शन है, ये क्रॉप करने के लिए है। मतलब आपको जितना चाहिए आप उतना क्रॉप कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे नीचे और ऊपर से थोड़ा क्रॉप कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना एस्पेक्ट रेशियो चाहिए, उस हिसाब से भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे 1:1 चाहिए अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे अपलोड करनी है तो, और अगर फेसबुक ऐड लगाना है तो आप इसको चुन सकते हैं। और इस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल कवर के लिए भी है, फेसबुक इवेंट कवर के लिए भी है। और यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट सोशल मीडिया पैकेज प्रोवाइड करती है ये ऐप आपको। ट्विटर पोस्ट के लिए भी है और लिंक्डइन जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल है। और आप पिन इंटरेस्ट पे भी अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पे हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल आर्ट और यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ प्री डिफाइंड साइज़ अवेलेबल हैं। ये देख सकते हैं बहुत सारी साइज़ हैं यहाँ पर। और अगर आपको रोटेट करना है इसको तो आप रोटेट कर सकते हैं। इसे अभी स्ट्रेट है और अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो ये देखिए रोटेट हो गया। अब वापस इसको नॉर्मल कर देते हैं। और अगर आप इसको फ्लिप करना चाहें, मतलब लेफ़्ट वाले को राइट में दिखाना चाहें, तो ये फ़्लिप आप कर सकते हैं यहाँ से, चाहे हॉरिजेंटल या वर्टिकल, दोनों ऑप्शंस मिलते हैं आपको। और यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ऑटोमेटिकली बैलेंस करती है आपकी फ़ोटोज़ को और उसकी एडिटिंग पार्ट्स को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट्स अगर आपको करनी है आपकी फ़ोटो में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि
कलर वगैरह अगर आपको घटाना बढ़ाना है या सैचुरेशन वगैरह ठीक करनी है तो आप उसको इस जगह से ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ब्लर ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ये रेडियल ब्लर है और ये सर्कल आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स, जिस सर्कल को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो वो पोर्शन ब्लर नहीं होगी और बाकी की जितनी पोर्शन है वो ब्लर इफेक्ट उसमें दिखेगा आपको। इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। और एक फुल है, ये जो फुल वाला ऑप्शन है इसमें आपकी पूरी कंप्लीट फ़ोटो ब्लर हो सकती है और ये जो आपको बाहर दिख रहा है इससे आप अपनी ब्लरनेस को घटा बढ़ा सकते हैं। और अगला जो इसका ऑप्शन है वो विगनेट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एजेस वगैरह हैं आपकी फ़ोटोज़ की उसको ये मतलब ब्लर कर देता है, फेड वाला ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और एक ये मिड पॉइंट है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ में कैसे बदलाव हो रही है। और ये एक फेदर ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छी है। और ये राउंडनेस है, इससे जो आपकी फ़ोटोज़ की एजेस हैं वो थोड़ा थोड़ा राउंड हो जाएंगी, वो उतनी कर्वियस नहीं दिखेंगी, राउंड हो जाएंगी। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे हम लोग आकर के अगर कुछ हमें रिमूव करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैप और ड्रैग ओवर द एरियाज ऑफ योर फोटो टू रिमूव ब्लेमिशेस, जैसे अगर आपको इस जगह से ये चीज़ को हटाना है तो आप यहाँ पे टैप करिए और इसको आप जितना टैप करेंगे जूम करके उतना ये क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इसके डायमीटर को ये आप देख सकते हैं कि कुछ अगर आपको रिमूव करना है यहाँ से तो ये यहाँ से हट जाएगा आसानी से। नेक्स्ट ऑप्शन है वो रेड आइज करेक्शन के लिए है। अगर आप किसी अपने फ्रेंड से अपना फ़ोटो लेते हैं तो अगर आपको रेड आई वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये रेड आई ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक एडिशनल फीचर भी है जो पेट आई है, अगर आपके घर में कोई जानवर है जैसे आप एनिमल लवर हैं और आप उसका फ़ोटोज़ में जो रेड आइज आ रहे हैं उसको हटाना चाहते हैं तो आप ये पेट आई वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इससे उसके आइज़ की रेडनेस नहीं नज़र आएगी। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट डालने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट के अंदर चार ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। पहला स्टाइल है, तो स्टाइल में ढेर सारे स्टाइल्स हैं, जिस स्टाइल का आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं। जैसे मैं इसको चूज़ करता हूँ, ये वाइट कलर का है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि दिखे, ये मैंने ब्लैक कर लिया है, ये देखिए। अब इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे अंदर में टैप करें और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यूजिंग एप्स, और इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं इसके साइज़ को, और इसको आप घुमा भी सकते हैं किसी एंगल पे, जैसे आप चाहें वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं इसको। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो जस्ट ये क्रॉस मार्क पे टैप कर दें, ये हट जाएगा। और ये जो फॉन्ट्स हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स प्रोवाइडेड हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको स्टाइल से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना फॉन्ट्स वाले ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे आपको। यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपको मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं, आपकी एडिटिंग को परफेक्ट बनाने के लिए। और यहाँ से आप कलर्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ कलर्स हैं यहाँ पे। और अगर आप मैन्युअली कोई कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ टैप करके इस जगह पे आ जाइए आप, और इसको आप जैसा चाहें उस जगह पे रख दें और वो कलर ऑटोमेटिकली आपके फॉन्ट पे आ जाएगी। फिर आता है अलाइनमेंट का, ये सेंटर अलाइंड है जो बीच में है। अगर मैं इसे राइट करूँगा तो ये थोड़ा राइट साइड से होके अलाइन हो जाएगा, और अगर लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट साइड से होके अलाइन हो जाएगा,
ये मतलब मैनुअली अलाइन करने वाले प्रॉब्लम से छुटकारा दे देगी आपको ये ऑप्शन। उसके बाद हमें मिलती है स्टिकर्स वाले ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं, बस स्टिकर पे टैप करिए और वो स्टिकर यहाँ पे आ जाएगी। और इस स्टिकर की साइज़ को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं लेकिन वो उसके साइज़ को आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे स्टिकर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, बट फ्री वर्जन में काफ़ी कम है। अगर आप इस ऐप को ख़रीदते हैं तो आपको काफ़ी सारे स्टिकर्स मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं यहाँ पे। और जो अगला ऑप्शन है वो बॉर्डर्स के लिए है। अब आप कैसा बॉर्डर चाहते हैं अपनी फ़ोटो में, जैसे मैंने इसे चूज़ किया तो उसके बॉर्डर्स पे देखिए वो फिल्टर्स अप्लाई हो गए हैं। देखिए और यहाँ एजेस की भी ऑप्शन है, अगर आपको स्पेशल एजेस इफ़ेक्ट चाहिए तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। देखिए फिल्मी एज, और यहाँ कुछ फ्रेम्स भी हैं फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्रेम्स हैं, बट आपको परचेज करने पड़ेंगे। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर में आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं गलती से तो यहाँ ऊपर में ये बैक एरो दिख रहा है आपको, कर्व बैक एरो, इसको क्लिक करने के बाद वो अंडू हो जाएगा, वो इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं होगी आपके फ़ोटोज़ में। फिर यहाँ से हम अगर नेक्स्ट करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देगी इस फ़ोटो को सेव करने के लिए। अब आप इसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं या व्हाट्सएप से कहीं भेजना चाहते हैं या किसी और को भेजना चाहते हैं तो इस जगह से आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी Adobe Photoshop मोबाइल वर्जन का यूजेज वीडियो। तो कैसी लगी फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।